हेलो, वेलकम टू करियर पावर सुमित ब्रांच। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बीपीओ का भी नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, उसके बारे में आप भी वीडियो देख सकते हैं। और आज की ये डाउट क्लास है, पजल की सेकंड क्लास है, ये डाउट क्लास है जिसमें बच्चों को कुछ परेशानी आ रही है, तो मैंने सोचा कि वीडियो में ही करा दिया जाए। इस क्वेश्चन को भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पजल में हमेशा आप पजल होते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पजल को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इस क्वेश्चन को करना कहाँ से होता है, पजल के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना होता है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से ही देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पर 7 बॉक्सेस दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके कलर दिए गए हैं और उनको अरेंज करना है कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से कि कौन सा बॉक्स किसके ऊपर होगा, कंडीशन के हिसाब से उनको सेट करना है। तो यहाँ पर 7 बॉक्स दिए गए हैं, तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 5 6 7 नीचे से या ऊपर से। तो सबसे पहले ये नहीं लिखना है, आपको नहीं पता है कि 7 नंबर पर अभी कौन है, तो अभी रेंडमली चलने दीजिए और लास्ट में आपको उनका ऑर्डर पता लग जाएगा। तो सबसे बड़ी जो गलती आप करते हैं कि सबसे पहले आप ऑर्डर लिख लेते हैं और उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनाते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे ड्रा करते हुए चलना है आपको। सिर्फ 2 ही वेरिएबल दिए गए हैं तो 3 वेरिएबल खुद से क्यों बना रहे हो? तो 2 ही वेरिएबल क्या है, एक तो बॉक्स के नाम है और दूसरा उनका कलर है। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 7 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेस्ड अबव वन अनदर इन ए स्टैक। ऑल द बॉक्सेस आर डिफरेंट इन कलर, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज वायलेट व्हाइट एंड ग्रे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये हमेशा हर जगह पर होती है कि जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में लिखा गया है इसी ऑर्डर में हो, कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से आपको उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स डी एंड वॉयलेट कलर बॉक्स। जो वायलेट कलर का जो बॉक्स है और डी के बीच में 3 बॉक्स और आएंगे, ये कहा गया है। अब आपको ये कंफर्म नहीं है कि डी ऊपर आएगा या वॉलेट कलर ऊपर आएगा, ठीक है, या डी नीचे आएगा वॉलेट ऊपर आएगा, या डी ऊपर आएगा वॉलेट नीचे आएगा। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, डी को ऊपर रखें या नीचे रखें। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा, कोई भी हो सकता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, आपको जैसे स्टेटमेंट में कहा गया है कोशिश करना है वैसे ड्रा करने की। अगर डी को नाम पहले लिया गया है तो डी को पहले रखो, उसके बाद नीचे आप वॉलेट कलर को रखो। अगर क्वेश्चन बीच में गलत हो गया तो फिर हम, अगर कोई पॉसिबिलिटी है वो फुलफिल नहीं हुई, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, वरना आप सबसे पहले क्या करेंगे, डी को ही सबसे पहले ऊपर रखेंगे। तो डी को मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं और जिनकी आपको श्योरिटी है कि हाँ ऐसे ही बनेंगे उनको मैं सर्कल में डाल देता हूं, और डी के बीच में, डी के सामने कोई ना कोई कलर जरूर होगा, वो बाद में हमें पता लग जाएगा। और डी के बीच में और वायलेट कलर के बीच में कितने का गैप है, 3 का है, 1 2 3, तो इनके सामने इनके कोई ना कोई कलर जरूर होंगे जो हमें बाद में पता लग जाएंगे। और नीचे 4th नंबर पर क्या है, वायलेट आपका कलर है, ठीक है, और इसका भी कोई ना कोई नाम जरूर रहेगा। अभी तक आपको कितने की अरेंजमेंट पता लग गई है, 1 2 3 4 5 की पता लग गई है। इनके बीच में तो कोई और नहीं आएगा, इनके ऊपर या नीचे जरूर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बॉक्स ई इज प्लेस जस्ट बिलो द वायलेट कलर बॉक्स। बॉक्स जो ई है वो वायलेट कलर के बिल्कुल नीचे है, तो ई नीचे है तो कहां पर आएगा, ई यहां पर आएगा, ठीक है, तो ई को मैंने यहां पर बिठा दिया है और इसका अभी तक मुझे कलर नहीं पता है। अब आगे पढ़ेंगे और देखेंगे, और रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ग्रे कलर। यहां पर एक कंडीशन और दी गई है, जो रेड कलर होगा वो ग्रे कलर के ऊपर होगा, ग्रे कलर के ऊपर होगा। ये मैंने बॉक्स में इंफॉर्मेशन फिक्स कर ली है, ये एक दूसरे के ऊपर होंगे। अब ये कहीं पर भी हो सकते हैं, डी के नीचे भी हो सकते हैं, कहीं पर डी के साथ में भी हो सकते हैं, डी के जस्ट ऊपर हो सकते हैं। कितने ऊपर हो सकते हैं, 1 ही ऊपर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 मिल गए हैं। अब जो 7वां बॉक्स होगा वो डी के ऊपर हो सकता है या सबसे नीचे हो सकता है, ई के नीचे हो सकता है, लेकिन अभी हमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं पता है। तो ई के यहां पर भी ये दोनों आ सकते हैं या ऊपर कहीं पर आएंगे, एक साथ पेयर में आएंगे, लेकिन अभी हम इसको नहीं रखेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। आगे पढ़ेंगे, व्हाइट कलर बॉक्स इज जस्ट अबव बॉक्स ए। जो व्हाइट कलर का जो बॉक्स है वो ऊपर है ए के। अब मैं यहां पर व्हाइट लिखता हूं और जो व्हाइट कलर का बॉक्स है वो ए के ऊपर है, तो व्हाइट का भी कोई ना कोई बॉक्स का नाम होगा, और यहां पर
व्हाइट जो है ए के ऊपर है, और व्हाइट कलर का जो बॉक्स है उसका भी कोई ना कोई कलर होगा। तो मेरे पास दूसरी इंफॉर्मेशन ये आ गई है, ठीक है, डायगोनल इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें, ठीक है। अच्छा आगे जस्ट प्लेस अबो विच इज ऑरेंज कलर, ये जो विच है ये साथ वाले के मतलब होता है, जो की यानी कि जिसके साथ ये विच दिया गया है उसी का कलर क्या है, ऑरेंज है। तो ए का कलर क्या है, ऑरेंज है, मुझे ये पता लग गया। अब ये भी दोनों एक साथ बैठेंगे ऑरेंज और व्हाइट, लेकिन मुझे ये नहीं पता अभी तक ये कहां बैठेंगे, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को भी ऐसे ही छोड़ दूंगा। आगे कहा गया है बॉक्स, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स डी एंड बॉक्स जी, डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में एक है। अब जी ऊपर भी हो सकता है, जी नीचे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन यहां पर जब हम देखेंगे कि डी और जी के बीच में एक का गैप है, अच्छा भाई डी के नीचे मैंने एक का गैप रख दिया और यहां पर मैं जी को रख दिया, तो बात हो गई। सर मैं ऊपर भी तो रख सकता हूं डी के, अगर मैं यहां पर रखूंगा बीच में एक गैप रखूंगा और फिर उसके ऊपर जी लेकर जाऊंगा, तो एक बार काउंट करके देखना कितने बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। अगर मैं डी के ऊपर जी रखूंगा बीच में एक गैप रखते हुए तो 8 बॉक्स हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, बॉक्स टोटल 7 ही होने चाहिए। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि जो डी है डी के बीच में एक का गैप छोड़कर जी नीचे ही आएगा, जी कहां आएगा, नीचे ही आएगा। तो एक का गैप छोड़ दिया और मैंने यहां पर जी को रख दिया और इसकी जो प्लेस है वो फिक्स है, अब यहां से नहीं हिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बॉक्स डी एंड बॉक्स ई इज नाइदर रेड और नोर ग्रे, बॉक्स जो डी है और ई है वो ना तो ग्रे कलर का है ना ही रेड कलर का है, भाई इसके अंदर डी और ई नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी तक आपको कितने पर्सन मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स का पता लगा है। अब जो सातवां बॉक्स है वो डी के ऊपर भी हो सकता है और ई के नीचे भी हो सकता है, अभी एक ही बॉक्स का पता लगाना रहता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो इंफॉर्मेशन है यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, आप यहीं पर फंसते हैं, ठीक है। बॉक्स डी एंड ई इज नाइदर रेड नोर ग्रे कलर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं रेड और ग्रे को एक साथ रखूं तो एक, अगर मान लो ये रेड और ग्रे डी के आसपास भटक रहे हैं, डी के आसपास आना चाह रहे हैं, तो क्या ये बैठ सकते हैं डी के आसपास। अगर एक डी के ऊपर बिठा दूं और अगर मैं रेड को डी के ऊपर बिठा दूं और डी पर ग्रे आ जाए तो क्या होगा, नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि डी ना तो रेड है ना ही ग्रे है। अगर मैं डी पर रेड बिठा दूं और डी के नीचे ग्रे बिठा दूं तो इसके लिए भी मना किया गया, क्योंकि डी रेड नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, डी के ऊपर भी नहीं आ सकता है रेड ग्रे, डी पर भी नहीं आ सकता और डी के नीचे भी नहीं आ सकता, इन तीन जगह पर तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। ऐसे ही E के आसपास भी रेड ग्रे नहीं भटक सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेड E के ऊपर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, E के ऊपर तो कौन बैठा हुआ है, वायलेट बैठा हुआ है। तो अगर मैं क्या करूं, E पर रेड को बिठा दूं, E पर रेड को बिठा दूं तो, और ग्रे को नीचे बिठा दूं, 7% हो जाएंगे, लेकिन ई पर भी रेड या ग्रे को किसी को भी बिठाने के लिए मना किया गया है, तो घुमा फिरा के आपको यहां से एक छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए। तो रेड और ग्रे के लिए बस यही दो जगह बचती हैं, ये वाली। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जी के सामने रेड बिठा देंगे, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं बची है, जी के सामने रेड और जी के नीचे कोई भी कलर का कोई भी बॉक्स होगा वो क्या होगा, ग्रे कलर का होगा, ग्रे कलर का होगा। मेरी बात समझ में आई होगी अभी तक आपको, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बॉक्स ए इज नॉट प्लेस्ड, बॉक्स जो ए है वो ए इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स ई, जो ए नाम का बॉक्स होगा वो ई के नीचे नहीं आएगा। अब ए किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ए किस कलर का है भाई, ऑरेंज कलर का है। तो ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर दोनों जगह अभी खाली हूं, जहां पर बॉक्स का कलर भी नहीं आया है और बॉक्स का नाम भी नहीं आया है। क्या मैं ई के नीचे तो बिठा नहीं सकता ए को,
क्योंकि यहां कह दिया गया है बॉक्स ए इज नॉट प्लेस्ड बिलो बॉक्स ई, ठीक है, तो इसके नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर आएगा। तो यहां पर अगर मैं ए को रखूं तो यहां तो सामने वॉयलेट है, लेकिन हमें क्या डालना है, ऑरेंज डालना है। ऐसे ही ग्रे के सामने ए नहीं लिख सकता क्योंकि ऑरेंज कलर का है, जी तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो ए की जगह बची है मेरे लिए जी के ऊपर और डी के नीचे। फिर आप कहेंगे सर अभी तक तो 6% है और मैं अगर डी के ऊपर ए बिठा दूं, तो भाई डी के ऊपर ए बिठा दिया 7% हो गए, लेकिन ए के ऊपर व्हाइट कलर का बॉक्स ही बिठाना पड़ेगा, फिर 8 बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है, जो ए है डी और जी के बीच में बैठेगा, ए डी और जी के बीच में बैठेगा, और ए किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है, ए किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो ये क्रॉस मैं हटा देता हूं यहां से, कभी आप समझो, ठीक है। अब यहां पर ऑरेंज के ऊपर क्या बैठेगा, जस्ट ऊपर व्हाइट, तो इसका मतलब क्या है, जो डी है वो व्हाइट कलर का है। देखिए मैंने यहां पर बॉक्स में इंफॉर्मेशन फिक्स कर रखी है, आपको पता लग रहा होगा ना, ठीक है। तो डी किस कलर का है, और डी व्हाइट कलर का है, तो इनके सामने ये आ चुके हैं। अभी हमारे पास ग्रे और वॉयलेट के सामने कौन पर्सन आएगा, वो पर्सन अभी हमारे पास रहते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन से पता लगेगा, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 3 लोग बैठेंगे, 3 बॉक्स आएंगे। अगर मैं क्या करूं, ये दो जो जगह खाली है यहां पर मैं क्या करूं, F को या B को किसी एक पर्सन को यहां पर बिठा देता हूं, मैं सामने लिखता हूं F या B में से, और मैं नीचे की तरफ देखता हूं, नीचे की तरफ 3 रखने पड़ेंगे, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक और आएगा और उसके नीचे यहां पर F या B आएगा। ऊपर F है, ऊपर F है तो नीचे B होगा, और नीचे बी है तो ऊपर एफ होगा। लेकिन जब आप पर्सन को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, नीचे की तरफ तो नहीं बैठेंगे, नीचे की तरफ तो एफ और बी नहीं बैठेंगे। मैं फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर एफ या बी को बिठा दूं इसमें से किसी को, और बीच में 3 का गैप रखना है, तो अगर यहां बी बैठा है तो ऊपर एफ बैठेगा, अगर यहां पर एफ बैठा है तो नीचे क्या बैठ जाएगा, एफ और बी में से बैठेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, डी के ऊपर मैं सामने किसको बिठा दूं, एफ को या बी को, एफ को या बी को, भाई इनमें से ये नहीं पता एफ ऊपर बैठेगा या बी ऊपर बैठेगा, एफ नीचे बैठेगा या बी नीचे बैठेगा, लेकिन इतना मुझे कंफर्म हो गया कि यहीं पर बैठे हैं। क्यों, अगर मैं टोटल पर्सन काउंट करता हूं तो डी के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सन हो गए, और कहीं पर भी एफ बी अरेंज नहीं हो रहे जहां पर 3 का गैप बन जाए, ठीक है। तो एफ बी में से यहां पर बैठेंगे, एफ और बी में से कोई ना कोई ग्रे कलर का है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूं, 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड ग्रीन कलर बॉक्स, बी और ग्रीन कलर के बॉक्स के बीच में 1 का गैप है। अगर मैं बी को ऊपर ले लूं तो मुझे 1 छोड़कर, यानी कि व्हाइट को छोड़कर क्या चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, लेकिन ऑरेंज कलर है। इसका मतलब क्या है, ऊपर तो बी नहीं बैठ सकता है। अगर मैं नीचे यहां पर बी को बिठा दूं और यहां पर बीच में 1 का गैप रख दूं, यानी कि वॉलेट को छोड़ दूं, और नीचे ई है, वो ग्रीन हो सकता है। हाँ, यही तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि और तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है, फिट नहीं हो रही है। अगर मैं यहां पर जी के नीचे बी को बिठा दूं और बी और ग्रीन कलर के बीच में 1 का डिफरेंस है, और ये बीच में 1 का डिफरेंस रख दिया, और यहां पर मैंने क्या रख दिया, ग्रीन रख दिया, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो गई। तो ई किस कलर का आ गया है, ग्रीन कलर का आ गया है। बी और ग्रीन कलर के बीच में 1 का गैप था, ठीक है। और यहां पर आपको क्या पता लग गया है, ऊपर कौन आ जाएगा, बी यहां पर है तो ऊपर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ऊपर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, लेकिन अभी आपको एफ के कलर का नहीं पता है। और इन 6-7 बॉक्सों में से 6 को आप बिठा चुके हैं, यहां पर एफ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, लेकिन 1 अभी गायब है। तो कौन सा गायब है, 7 के नाम तो पता है, 7 के नाम हैं आपके पास, उनमें से 6 बिठा चुके हैं, ढूंढिए जो 7वें का नाम नहीं आया है, सी कहां गायब है, सी तो गायब है। तो यहां पर हम ऑटोमेटिकली कोई, क्योंकि और कोई जो बॉक्स से बचा नहीं हुआ, सी यहां पर ऑटोमेटिकली बिठा देंगे हम। और दूसरा
यहाँ पर जो बॉक्सों के कलर हैं वो भी 6 के कलर हम फिल कर चुके हैं, एक सातवां कलर बचा हुआ। देखिए कौन कौन से कलर थे, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज वायलेट व्हाइट ग्रीन। ये जो ब्लू है ये ब्लू बचा हुआ है, ब्लू नहीं बिठाया है अभी तक, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ब्लू के लिए ही जगह बची है और यहाँ पर ब्लू आ जाएगा। और हमारी जो पजल थी वो बहुत ही सिंपल थी, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा भी नहीं सोचना है, ठीक है, ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पजल हो जाओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पजल और हमने अरेंजमेंट बिठा दिया है। इसके मेरे पास से जो 5 क्वेश्चन है वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीनशॉट में यही भेजा था बच्चे ने, ठीक है, लेकिन हम 5 क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसके आप कमेंट करके आंसर देंगे मुझे, ठीक है, कि जो कलर जी है, पहला क्वेश्चन है जो कलर जी है उसका कलर क्या है, सॉरी जो बॉक्स जी है उसका कलर क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ई से ऊपर कितने पर्सन बैठे हैं, ई से ऊपर कितने पर्सन बैठे हैं, ठीक है। तीसरा पर्सन, सी कितने स्थान पर बैठा है, कौन से स्थान पर बैठा है, सी कौन से स्थान पर बैठा है। नीचे से काउंट करना है आपको क्योंकि नीचे से ही काउंट करते हैं, ऊपर हवा में सीधा सातवां नहीं रख देते हैं। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, नीचे से बताना है आपको सी कौन से स्थान पर बैठा है। चौथा क्वेश्चन है, एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं, एफ और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, अगर नीचे से काउंट करते हैं तो इवन इवन नंबर पर कौन कौन से बॉक्स है, इवन नंबर पर कौन कौन से बॉक्स है। ये सिंपल से 5 क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पर, तो उसमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। तो इसमें बताइए कहां पर प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ही सिंपल तो है, आपने क्या कर दिया, आप क्या कर देते हैं कि ये जो नंबर है इनके सिक्वेंस है ये अपने आपने पहले से ही डाल दिए। यही तो इसके अंदर झोल है कि आपको जो कौन सा वेरिएबल लेकर चलना है, अगर कोई भी वेरिएबल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई इस तरीके से नंबर नहीं डालना है, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ऑफलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, अगर गवर्नमेंट की नहीं आती हैं गाइडलाइंस तो देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन फिर भी आप इस नंबर पर या इस नंबर पर कॉल करके अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप सोनीपत से बिलोंग करते हैं तो हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं लगभग, और बिल्कुल 5 से 6 बच्चों के साथ पढ़ाने का प्लान है। बाकी सारी डिटेल ऑफलाइन के बारे में आप कॉल करके ले सकते हैं, लगभग हमने स्टार्ट कर दी है, करने जा रहे हैं, ठीक है, बाकी डिटेल आपको इस पर मिल जाएंगे। आप बैंकिंग का, एसएससी का कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं, तो इस इन दोनों कॉन्टेक्ट पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारी कैरियर पावर सोनीपत ब्रांच का कॉन्टेक्ट नंबर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट आवर क्लास में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।